हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुकेश कुमार नाम का एक सब्सक्राइबर है, मुकेश कुमार, उन्होंने कमेंट में एक बात पूछी है। उन्होंने पूछा है, बाइक का हैंडल कलने का क्या कारण होता है? कलने का इसका मतलब तिरछा होने का क्या कारण हो सकता है? ये बात जिसके बारे में दो टॉपिक पर हम लोग बात करते और जानकारी देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बाइक का हैंडल सीधा होगा तो ऑटोमेटिकली उनके लैंग्वेज में कलना नहीं होगा, यानी टेढ़ा नहीं होगा, बैलेंस नहीं चला जाएगा। अगर हम लोगों का बैलेंस चला जाता है, हमको अगर सही मात्रा में बैलेंस नहीं आता हमें चलाने वाले को, तो बाइक का हैंडल का बैलेंस चला जाएगा, फिर पूरे बाइक का हैंडल जा बाइक का बैलेंस जा सकता है और गिर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। यानी पहला कारण मैंने बताया, समझो बाइक का बैलेंस ठीक है, लेकिन आपका बैलेंस अगर सही नहीं रहेगा, आपको चलाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपका बैलेंस अगर ठीक नहीं होगा तो बैलेंस का बैलेंस कल जाएगा, यानी आपके लैंग्वेज में उसका तिरछा हो जाएगा और बाइक की बैलेंस चली जाएगी। दूसरा टॉपिक के ऊपर बात करते, यानी बाइक के बैलेंस के यानी हैंडल के बारे में। समझो बाई चांस आपने कभी बाइक को ठोक दिया होगा, कभी तो आगे से ठोक, साइड से नहीं, आगे से ठोक दिया होगा, तो बाइक का जो फ्रंट व्हील है इसको अगर आघात यानी अटैक हुआ रहेगा तो तिरछा हो सकता है ना। वो तिरछा होने के यानी हैंडल और व्हील, जैसे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो फ्रंट व्हील है, फ्रंट व्हील आपने अगर बाइक को सामने से ठोक दिया तो इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे की होता है, इसमें होल होता है जो मुंडी है ना, तो इससे क्या होता है, ये शॉकर होता है टेढ़ा हो सकता है, और जिससे हैंडल भी थोड़ा मामूली तिरछा हो सकता है। यानी आपका जो व्हील ऐसे होगा तो हैंडल थोड़ा टेढ़ा होएगा, ऐसे हो सकता है, कभी हो सकता है। अगर बड़े पैमाने में आपने बाइक को सामने से ठोक दिया या किसी ने आपको ठोक दिया, सामने से, साइड की बात नहीं, सामने से, तो उस समय ये टेढ़ा होने का चांसेस होता है। तो इस समय अगर आप बाइक चलाते हैं तो आपका बाइक कल जाएगा, यानी हैंडल है जो साइड में तिरछा हो जाएगा और बैलेंस जा सकता है। ये मतलब जैसे दो बात मैंने बताया, पहली बात मैंने बता दी, आपका अगर बैलेंसिंग बराबर नहीं रहेगा, आप कैसे पकड़ते हैंडल, कैसे पकड़ते, जैसे हैंडल को कैसे पकड़ना है उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, सर्च करे और उसको देखे। हैंडल पकड़ने की ट्रिक होता है, कभी भी टाइट नहीं हाथ चाहिए, हमारा हाथ कैसे ऐसा मोड़ा हुआ चाहिए या ज्यादा स्पीड में रहेगा। जैसे मैं बताया, मैं लॉन्ग टूर पे जाता हूँ, मैं ऐसे हैंडल पे रहता हूँ ऐसे, अगर मामूली लोकल में रहेगा तो ऐसा तिरछा थोड़ा होना चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे रहेगा तो आपका बैलेंस चला जाएगा, यानी हैंडल टेढ़ा हो जाएगा। तो दो महीने टॉपिक बताया आप कैसे हैंडल को पकड़ के, इसके ऊपर भी डिपेंड होता है। और दूसरी बात, अगर बाइक अगर ठोकी होगी सामने से तो आपका हैंडल थोड़ा मामूली टेढ़ा हुआ रहेगा, या जो व्हील है फ्रंट व्हील है वो मामूली टेढ़ा हुआ रहेगा। कैसे पहचानना है, जो शॉकर है उससे पहचानना है, जो शॉकर के यहाँ पे बीच में जो मैंने बताया अभी टी बताया, जो होल में फसेला होता है ना, जो हम लोग हैंडल घुमाते हैं तो टैंक को टच नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो होल में, वो होल से अगर बाहर हुआ रहेगा तो 101% आपका हैंडल टेढ़ा हुआ रहेगा। तो हैंडल टेढ़ा होने की वजह से भी बाइक बैलेंस जा सकते हैं। उन्होंने कमेंट में पूछा, हैंडल है ना एक साइड कभी कलता है, एक साइड ही कलेगा, एक साइड, दोनों बाजू कभी भी हैंडल कोई भी नहीं कलेगा, एक साइड में कलेगा। क्यों ऐसा होएगा, क्योंकि आपका हैंडल तिरछा हुआ रहेगा तभी एक साइड जाएगा। अगर ये आप चलाते हो परफॉर्म भी आपका, अगर एक हाथ कैसे पकड़ते हो उसके ऊपर डिपेंड है, कॉन्सेंट्रेट रखे कि आप चलाते समय हैंडल को कैसे पकड़ते, पहली बात। अगर ठीक से पकड़ते हैं आपको दूसरे बाइक चला के थोड़ा देखना है कि वो एक साइड जाता है क्या, अगर एक साइड जाती है दूसरी बाइक भी आपके वजह से, तो इसका मतलब आपका परफॉर्मेंस सही नहीं है, आपको हैंडल पकड़ने बराबर नहीं जमता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर से सुनो, आपके बाइक का हैंडल एक तरफ जाता है एंड एक साइड जाता है, ऐसे आपने पूछा, तो आपको कैसे देखना है, दूसरे दोस्त की बाइक देखो, दूसरी, उसको चलाने की कोशिश करो, वो भी अगर एक साइड जाते हैं तो इसका मतलब आपका हैंडल पकड़ने का तरीका गलत है। ये मतलब वो दूसरे बाइक का अगर एक साइड बैलेंस नहीं जाता, हैंडल नहीं जाता, इसका मतलब क्या समझेगा, आपके बाइक का व्हील या हैंडल थोड़ा तिरछा है, सीधा नहीं, हैंडल और व्हील सीधा नहीं। आपको क्या करना है, पीछे बाजू से सीधा देखना पड़ेगा, पीछे से देखो कि सही है या आगे से देखो, आपको पता चलेगा। दोस्तों, इसके वजह से आपके बाइक का हैंडल एक साइड चला जाता है, दो कारणों में से एक कारण हो सकता है। इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आती रहता हूँ वीडियो के माध्यम से।
दोस्तों जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं, भले से लेट होता रहेगा लेकिन मैं कमेंट उनको देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सब्सक्राइबर ज्यादा है और कमेंट भी ज्यादा आते हैं, तो इस हिसाब से कमेंट तो मैं देते रहता, कभी लेट होता रहेगा है ना, देर होती रहेगी, तो थोड़ा नाराज ना होना, कभी ना कभी मैं ये टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते रहता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।